This is set. What's going on? No problem, Mr. and Mrs. Smith. Please relax, yeah. Just an internal matter. I'll solve it. Priya, come on. खाने वाली बहन सॉरी एक्चुअली क्या है कि बचपन से मेरी बेटी प्रिया की आदत है कि जब भी कोई कलाकार अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना तो वो उसका चेहरा जरूर देखती है और आज आपने तो कमाल का डांस किया है। एक्चुअली क्या है कि प्रिया को आपका घूंघट उठा के आपका सिर्फ चेहरा देखना था। मैंने बोला ना एक बार मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। अरे नहीं कोई बात नहीं इसमें अरे नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन आपने आज डांस बहुत बढ़िया किया। थैंक यू डैड। कम ऑन प्रिया। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ डिड यू एंजॉय द शो? यस यस ऑफ कोर्स बहुत मजा आई। खाने में मजा आई, गाने में आई और डांस करने में भी बहुत मजा आया। Fantastic. Thank you so much. All thanks to Vicky. sure. Vicky, thanks to you. आज का शाम हम कभी नहीं भूलेगी। मैं भी। यही तो है असली इंडिया। अतिथि देवा भवा। Mr. Seth, अब मैं कह सकती हूँ कि आपके साथ हाथ मिलाकर हम बहुत अच्छा करती। जो कंपनी एक शाम के लिए इतना दिल से प्लानिंग कर सकती है वो काम में पूरी जान लगा देगी। आई एम श्योर राइट डियर? यस यस। इसलिए प्रिया एयरलाइंस और हमारे लंदन का एयरलाइंस का दिल पक्की हो गई है। एंड टुमारो आपको ऑफिशियल लेटर भी मिल जाएगी। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम चलती। Of course, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। प्लीज आइए डॉक्टर। प्रिया थैंक यू। प्लीज थैंक यू। थैंक यू। मजा आ गया। क्या खाना वाना डांस वांस डील भी फाइनल हो गई। बताओ अच्छा एक बात बताओ मीठे में कुछ है क्या? केक शेक आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ तो आइसक्रीम खाएगा? सच्ची? नहीं नहीं सच्ची तू खाएगा ना? चल मैं तेरे को खिलाता हूँ। एक मिनट इधर रुकना मैं इसको मस्त आइसक्रीम खिला के आता हूँ। चलना चलना। अरे तुम भी आओ ना जीनी। कौन सा लेगा चॉकलेट मैंगो बोलना जीनी को तो डाले। अरे कौन सा लेगा चॉकलेट मैंगो? कुल्फी खाऊंगा। चल बाहर जाके आपको चाहिए आइसक्रीम? नहीं 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 जीनी मैं मेहमान लोग तो सब गए हैं अभी क्या हमको भी सोने का है तो उसके पहले जरा हाथ मोटा धो ले। हाँ। किधर जाने का? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं वहाँ पे वॉशरूम है आप वहाँ पे जाके फ्रेश हो जाइए। ठीक है हाँ हाँ हलो हलो जीजू मुझे पता है आपको मुझसे थैंक यू कहना है। हाँ कोई बात नहीं कहो लेकिन फ्लाइंग किस के साथ कहो। ओ होल्ड इट। किस बात के लिए थैंक यू कहूं? इस बात के लिए कि आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी या इस बात के लिए कि आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की डील कैंसिल हो सकती थी या फिर इस बात के लिए कि तुम्हारी वजह से प्रिया मुझे आज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती थी? बताओ टेल मी गिव मी आंसर। आप नाराज क्यों हो रहे हो? आप हमेशा से मेरी सारी गलतियों पे पर्दा डालते हो ना और क्यों नहीं करोगे? आफ्टर ऑल आप इतने स्मार्ट हो इतने इंटेलिजेंट हो इतने बस। और मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं थक गया हूँ ये सब से। I'm stressed out. और मैं सच्ची कह रहा हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा ना एक दिन मैं संन्यास ले लूंगा। संन्यास? Yes. अच्छा yeah. नहीं अच्छे नहीं लग रहे हो तो जल्दी से मुझे जूजू बना दो। अच्छा जीनी जूजू नाराज मत हो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इसलिए मैंने ऐसा किया। अब स्ट्रेस मत लो आराम से जाके सो जाओ अब तो सब ठीक हो गया ना। क्या सब ठीक हो गया जीनी? वो तुम्हारे चार गांव वाले अभी भी घर में है उनका क्या? मुझे आप क्यों फिकर कर रहे हो
हॉल में उनको सोने का इंतजाम कर दूंगी। हाँ। आप जाके सो जाओ और मैं अभी आती हूँ। तो कहाँ आती हो? मैं हाँ हाँ मैं क्या? अपने सपनों में। भगवान, फिर शर्माना शुरू कर दी। जीनी जीनी बेन, बाकी कहना पड़े हो, आप गरबा बहुत अच्छा करती है। थैंक यू। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू। इतना खाया भी नींद आती है। वो क्या है, लेकिन हम लोग भी अभी बहुत थक गए हैं, क्या सोना चाहते हैं? वो घबरा मत, सोने का बंदोबस्त जीनी जी ने आपके लिए कर दिया है। हा? और आज जो कुछ भी आपने किया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। बराबर की तूने? हाँ हाँ बराबर छे। बात छे मारा प्राण नाथ। लेकिन क्या है ना? क्या? कल रात ना हमारे कमरे में एक चोर घुस गया था। बोलो। चोर? हाँ, वो भी बालकनी से। एकदम पागल था। हाँ, उसने तो मुझे आम आम पकड़ लिया और फिर जोर से चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत। एवेन, क्या मैं तुमको भूत दिखती हूँ? फिर क्या है ना, हमने उसको पकड़ लिया और बांध दिया। वो देखो उधर। ये चतुर बाबू कभी सुधरेंगे नहीं। आइए जीनी बेन, आइए देखो ये। बहुत है लड़की, बहुत है लड़की, बहुत है। देखा, अभी आपको भूत बोलता है। कल हम उसके लिए भूत थे भाई। आज चोर न थी, ये हमारे पड़ोसी है। आप फिकर मत करिए, इनका स्क्रू ढीला हो गया है। विक्की को मैं बोलूंगी, वो इनका ध्यान रखेंगे। तमिलो को जाओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सॉरी पड़ोसी भाई, माफ कर देना क्या। हमारे पास नहीं है ना, ना देखो हमारे पास तो है ना। बिक्की बचाओ, बिक्की मम्मी। कौन किया? चंचल बाबू, आगे। अब देखो मैं आपके साथ क्या करूंगी। की करेगा? मैं तीन गिनूंगी और उसके बाद चार गिनेगा, राइट? चार नहीं, आर्या पार आपका। ना ना बिक्की बाबू, आ जाओ। देखो दीदी, मैंने ये किसके रोने की आवाज आ रही है? जूजू, होगा कोई पड़ोस का बच्चा जो रो रहा होगा। छोड़ो ना उसे। अच्छा सुनो ना, मुझे बताइए, कल रात को मैं आई थी ना? कहाँ? जूजू, आपके सपने में। जूजू, अब शर्माइए मत, बताइए ना। मैं शर्मा रहा हूँ? हाँ, अब आपको बताना पड़ेगा। जीनी, बिक्की बाबू बचाओ। ये बच्चे की नहीं, ये तो अपने चतुर जी की आवाज है। जूजू, ये सिर्फ चतुर जी की आवाज नहीं, चतुर जी खुद है। हाँ जूजू, एज यूजुअल बालकनी से उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की और नीचे रात को मेहमान सो रहे थे। उन्हें लगा कि चतुर बाबू चोर है। फिर क्या, चतुर बाबू को चोर समझ के बांध दिया। ये देखो ऐसे। ये तुम भी क्या क्या करते रहती हो, पता नहीं चलता कब हंसाओगी कब रुलाओगी। इना, वो जैसे भी है
हमारे पड़ोसी है, मैं जा रहा हूँ उनके पास, तुम चलती हो? आती हूँ ना, अब जाओ। भिक्की बाबू, चतुर जी, हमको बचाओ भिक्की बाबू। चतुर जी रिलैक्स, क्या हुआ, बात क्या है? अरे पहले हमको खोलो फिर बोलो। चतुर जी अगे देखिए, खोला तो उसे जाता है जिसके हाथ बंधे हो। लेकिन आप तो बंदे ही नहीं है। की बोल चुकी है, हम तो बंदा नहीं है। फिर किंतु भिक्की बाबू, थोड़ी देर पहले हमारा हाथ और पैर दोनों रस्सी से बांधा था और हमारा मुंह के अंदर बदबूदार बेनियन ठूस दिया था। सारी रात सांस नहीं ले पाया। बोलो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया जो आपने उसे निकाल दिया। दम घुट जाता आपका चतुर जी। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप ना बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप चतुर जी। चलो मैं मान लेता हूँ, आप कह रहे ना कि आपके हाथ बंधे थे। हैं? किसने बांधा था? गांव वालों ने। कहाँ है वो गांव वाले? हरी, इधर आइए, इधर इधर। कल रात को एक नहीं चार चार छह गांव वाले थे। छोटा स्कर्ट पहने दो जेंट्स लोग और दो बड़ा फ्रॉक पे लेडीज। बोलो फ्रॉक। चतुर जी आप ना बहके बहके बातें कर रहे हैं। नहीं, फिर से बकवास कर रहे चतुर जी। हाँ, मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। नहीं, नहीं, कल रात को था, चार चार तो गांव वाला था और उसके साथ वो लड़की जो भूत है वो भी थे। था ना? हाँ? अब किधर है वो? जाने को बोल दिया ना लड़की ने उन चारों को। चतुर जी आगे आगे मत आइए, वहीं खड़े रहिए। देखिए चतुर जी, आप सिर्फ मेरे पड़ोसी नहीं बल्कि मेरे भाई भी हैं। नहीं है? है, है। तो आप ही बताइए, अगर मेरा भाई जैसा पड़ोसी वो पागल हो जाए, मुझे दुख नहीं होगा? आप कौन सांगे? चतुर जी हम पागल नहीं हैं। तो हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर आपने अपना इलाज नहीं कराया तो। किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं, जाइए घर। आपको दवा और आराम दोनों की सख्त जरूरत है, जाइए। गुड होम। अच्छा आप बोलता है तो। किंतु एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। पूछो। माना कि वो चार चार कार्डधारी गांव वाला यहाँ नहीं आए, माना कि वो लड़की जो भूत है वो भी यहाँ नहीं है, किंतु आपका घर का फर्नीचर कोठाए गए लो। फर्नीचर कोठाए गए लो। बनाता हूँ। हैं? बताता हूँ। चतुर जी। आग। आगे बात ये है चतुर जी, कि आपको इस घर में चार गांव वाले नजर आते हैं जबकि वो नहीं है। ओ। आपको वो भूतिया लड़की नजर आती है जबकि वो नहीं है। लेकिन आपको मेरे घर में फर्नीचर दिखाई नहीं देता जबकि वो है। की बोल चुकी, फर्नीचर है और नहीं तो क्या? कहाँ है वो? देखिए डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर जग है, जग के अंदर पानी है, आजू बाजू ग्लास है, फ्रूट्स है, सैंडविचेस है, ये देखिए साइड टेबल है, ये देखिए सोफा है, ये देखो अब मैं बैठ गया। और आप देखिए टीपॉट पे खड़े, संभाल के उतरे जब। आई शाबाश, चूजी तो चतुर बाबू को पागल कर देंगे। यू ओके? आगे अपनी दवाइयों का डोज बढ़ाइए चतुर जी, और आप भी आगे बढ़िए। अच्छा संभालो, उधर टॉमी है। टॉमी कौन? मेरा डॉगी। टॉमी उधर नहीं, उधर भी है। जाएगा उछल के जाओ, पैर उठाओ, ऊपर से जाओ। जीनी आप ना एकदम ढिंचैक हो। ढिंचैक? ढिंचैक मतलब मजेदार। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं ढिंचैक हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, जब से तुम आई हो ना जिंदगी में मजा आ गया यार। तो जल्दी से बताओ कि हमारे घर का फर्नीचर कब आएगा? जूजू जहाँ पना, आपके ऑफिस से लौटने के पहले सब कुछ आ जाएगा। ओके, लेट्स होप। ठीक है, तुम ऑफिस चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब तुम और कोई हंगामा नहीं करोगी। हाँ जूजू, अगर फ्लाइंग किस दे देते तो जीनी
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मेरा ब्लेजर और चाबी दे देती तो। अभी लो। थैंक यू जूजू। बाय जीनी। बाय। इनफ। विकी। अरे प्रिया तुम। तुम तो कुछ बोलो ही मत। मैंने कल अपनी आंखों से जीनी को तुम्हारे घर पे देखा था। बोलो वो वहाँ थी या नहीं, बोलो। बेबी बेबी ऐसा नहीं है वो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक बात बताओ, वो सच में तुम्हें नहीं दिखती या जान बूझ कर अनजान बने रहते हो तुम? बोलो जवाब दो। नहीं बेबी ऐसा नहीं है प्रिया। तुम तो कुछ बोलो ही मत। कभी काजोल, कभी सिमरन, कभी रिया और कभी वो गुजराती खाने वाले बनके तुम्हारे एक किट मंडराती रहती है वो। प्रिया ऐसा नहीं है। ऐसा ही है विकी, तुम ना बहुत भोले हो और वो जीनी बहुत तेज। देखो बेबी मैं जो बोल रहा हूँ ना। तुम तो कुछ बोलो ही मत। अरे उस जीनी की क्या इंटेंशन है कि सोच सोच के मुझे टेंशन होती रहती है। इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार वो नहीं बच पाएगी। अब तुम कुछ बोलोगे भी? देखो अगर मैं कुछ बोला तो तुम मुझे बीच में रोकोगी तो नहीं ना? नहीं रोकू। बेबी ये जीनी चीनी का चक्कर निकाल दो दिल में से बेबी। अरे बेबी तुम समझ नहीं रही हो, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। प्रिया एयरलाइंस जॉइंट हैंड्स विद लंदन एयरलाइंस बेबी। और हमने जो कुछ भी अचीव किया ना, इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सो एंजॉय द मोमेंट। वो तो है स्वीटी पाई। या और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उनके लिए जो प्लान किया था उससे वो तो क्या, हम सब सरप्राइज हो गए। वैसे एक बात कहूँ? बोलो ना। मेरे लिए भी ऐसा एक्साइटिंग सरप्राइज प्लान करो ना। करोगे ना? या या श्योर, व्हाई नॉट। मैं अपने सरप्राइज की वेट करूंगी। या बाय बाय बाय। इस बेचारी को क्या मालूम कि जब से जीनी मेरी जिंदगी में आई है मैं खुद सरप्राइज रहता हूं कि कब कहां से कौन सा सरप्राइज मुझे मिल जाए। हाय जीनी। जीनी तुम यही हो? नहीं नहीं जीनी यहां क्यों आएगी? मैं ही बावला हो गया हूं। जब देखो तो जीनी जीनी। व्हाट इज दिस? आज तो जादुई डिब्बे पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। चलो यही ऑफिस में थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। चतुर बाबू आज जो घर पे हुआ उससे इनका पेट नहीं भरा कि यहाँ चूचू के ऑफिस भी चले आए। एक मिनट, और अगर आए हैं तो जरूर कोई काम होगा, ऐसे थोड़ा ना आएंगे। देखना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।